नाशिक के स्ट्रीट फूड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है मिसल का। आप नाशिक में कहीं भी चले जाइए, मिसल आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं नाशिक की सबसे फेमस मिसल की शॉप पर, जहां डेली 20 क्विंटल, जी हां 2000 किलो से भी ज्यादा मिसल बनाया और बेचा जाता है। इसके बावजूद अगर आप संडे को यहां जाएंगे, आपको 2 घंटे से ज्यादा की वेटिंग मिलेगी। तो अगर आपने कभी मिसल बनते हुए नहीं देखा, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो अभी बजे सुबह के 5:30 और यहां पे जिनका चुलियावर्ती मिसल है उसकी बनाने की शुरुआत हो रही है। तो गैस की आंच में नहीं पकाया जाता है, चुलियावर्ती मतलब चूल्हे पर पकाया जाता है, चूल्हे पर लकड़ी की आंच में पकाया जाएगा। आग अब नहीं लग चुकी है भट्टी में, अब इसके ऊपर आएगा पतीला जिसमें यहाँ पे मिसल तैयार होगा। अभी ये भगोना अपना गर्म हो चुका है और इसमें तेल डाला जा रहा है। भैया तेल कौन सा डाला जा रहा है? ये सनफ्लावर ऑयल। भैया अपना टोटल कितना रसा बनाया जा रहा है? ये अभी 225 रसा बना रहा है और ये दिन में हम लगभग 5 या 6 बार बनाते हैं इसका। तो गाइस ये 225 किलो रसा बनेगा यहाँ पे और ये दिन में 5 से 6 बार बनेगा। अभी कोई 5 मिनट हो चुकी है, तेल अपना गर्म हो चुका है और अब इसमें मसाले डाले जाएंगे। तो ये देखिए खड़े मसाले डाले गए इसके अंदर। खड़े मसाले डालने के बाद देखिए इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला जा रहा है। अभी देखिए गाइस इसके अंदर ये ग्रेवी डाली जा रही है जिसमें कांदा, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक और खड़े मसाले हैं। और ये जो ग्रेवी है अपनी ऑयल में और पेस्ट में बढ़िया तरीके से मिलाई जाएगी। अभी कोई 5 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है वो पेस्ट में और ऑयल में अच्छे से मिल चुकी है और हल्की हल्की खोलने लगी है। और अभी इसका मेन मसाला आ रहा है, काफी सारे मसाले और मिर्ची और धनिया का मिक्सचर है ये। अब ये इसमें डाला जा रहा है। तो आप देखेंगे जो पूरा का पूरा इतना बड़ा भगोना है ये सारा इसमें डाला जाएगा जिसमें ढेर सारा मसाला है। तो गाइस अभी आधे घंटे इसे अच्छे से पकाया जाएगा। जब ये ग्रेवी मसाला पेस्ट अच्छे से पक जाएगा इसमें तब इसमें पानी डाला जाएगा। उधर अपना रसा तैयार हो रहा है और यहाँ पे भैया ये क्या चीज उबाली जा रही है? ये स्प्राउट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोठ की दाल है स्प्राउटेड, वो उबाली जा रही है। ये भी 5-6 बार यहाँ पे उबाली जाती है और ये भी इतना ही बड़ा भगोना है। तो गाइस जो मोठ है देखिए उबल चुकी है पूरे अच्छे से। अब इसका पानी बाहर निकाला जा रहा है और ये पानी जो है ये भी रसे के अंदर डाला जाएगा। पिछले 15 मिनट से रसा लगातार उबल रहा है और अब इसके अंदर जो स्प्राउट्स का पानी है वो डाला जा रहा है और अभी इसमें डाला जाएगा फिल्टर्ड वाटर। तो भैया पूरा भगोना भर दिया जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा 225 किलो का भगोना एक बार में बन रहा है यहाँ पे और दिन में 5 से 6 बार बनता है ये। अब ये क्वांटिटी देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नासिक में कितना ज्यादा पसंद होगा इन लोगों को। अभी कोई आधा घंटा हो चुका है इसे पकते पकते और अब इसमें बाजरे का आटा अपना घोला गया था वो डाला जा रहा है। तो जितने बड़े भगोने में यहाँ भर के बनाया जा रहा है बिल्कुल ऊपर तक, इस तरीके से बनता हुआ आपने इंडिया में कोई एक या दो जगह ही देखा होगा। और ये यहाँ पे केवल एक बार नहीं बनता है, इस तरीके से यहाँ पे एक दिन में 5 से 6 बार बनता है। तो अभी सब कितनी देर और पकाया जाएगा इसको? अभी 1 घंटा और पकाया जाएगा। तो गाइस पूरा 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस है। और ऊपर जो आप ये डार्क कलर का देख रहे हैं ये तैयार हुई है तरी जो कि यहाँ पे स्पाइसीनेस देगी। और नीचे लाइट कलर का जो है वो है रसा जो कि असली स्वाद इसका आता है मिसल पाव का, वो उस रसे से आता है। अभी से पकते पकते 1 घंटा और हो चुका है और फाइनली ये तैयार हो चुका है। अब अपनी प्लेट लगाई जाएंगी। तो ये देखिए इन्होंने जो अभी अपनी जो अंकुरित दाल हुई है वो तैयार हो चुकी है, वो ले लिया कटोरी में पहले। उसके ऊपर डाली जा रही है मोटे वाली सेव, उसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया, इसके बाद डाली गई है बारीक वाली सेव और अब इसके ऊपर डाली गई है मूंगफली। तो ये अपनी तैयार हो चुकी है और आप यहाँ पे देखिए कितनी क्वांटिटी में बनी है। उधर अपनी प्लेट तैयार हुई और यहाँ पे जो रसा बना है वो रसा अलग से सर्व किया जाएगा इसके साथ में। और इतना सारा बना था जितनी देर में मैंने अंदर किचन में शूट किया है। आप देखिए भगोना आधा हो चुका है, ये तरी आई है ऊपर से। तो पहले वाले में रसा है और ये वाले में तरी है। तो ये अपनी मिसल पाव की प्लेट आ चुकी है। अब टेस्ट देखा जाए टेस्ट कैसा है इसका। इसमें डाला जाए रसा, आप देख सकते हैं अमरूद के बाग के बीच में बैठ के खा रहा हूँ मैं। ना केवल मैं खा रहा हूँ, कोई 700-800 लोग और खा रहे हैं यहाँ पे एट अ टाइम और बाहर 500-600 लोगों की वेटिंग। तो इतना पसंद है नासिक में ये जगह लोगों को। टेस्ट देखा जाए टेस्ट कैसा है इनकी मिसल का। टेस्ट जो है बहुत अच्छा आ रहा है। जो यहाँ पे मसाला है वो काफी बैलेंस्ड है, आपको ये भी ज्यादा लगे दही आपके पास है। मैंने जितनी जगह मिसल मैंने नासिक में खाया यहाँ का मसाला सबसे बैलेंस्ड है। तो खाने के 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको जलन जलन जो है वो महसूस नहीं होगी। तो मिसल बिल्कुल लाइट सिंपल बेसिक एम्बियंस बहुत बढ़िया, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, नेचुरली ठंडा है। और उसके अलावा खाने में केवल मिसल नहीं है, यहाँ पे आपको गुड़ की चाशनी में बनी हुई जलेबी मिलेगी और ये पेरो आइसक्रीम मिलेगी जो कि यहीं के इसी बाग के अमरूदों से तैयार की गई है। और इसका टेस्ट बिल्कुल जैसा रियल आप अमरूद खा रहे हो वैसा आता है। तो अगर आप नासिक आ रहे हो ये जगह पेरुचीवाड़ी मिसल मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मुझे जगह बहुत पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेस्टर्न फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।